टाइम रुक जाइए ना, नहीं रुक जाना द्रौपदी जी का। हां मैम हां मैम चलिए चलिए अच्छा ये ना मैम हां रुक जाओ भाई वाला जा चलिए मैम रुक जाओ आप पीछे क्या रहा मैम यहां पे मैम यहां पे मैम 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 ये रहा मैम यहां पे एक मिनट मैम थोड़ा रुक जाइए फोटो मिल जाएगा सबसे पहले तो आपका जन्मदिन आने वाला है, उसके लिए आपको हैप्पी बर्थडे। और जानना चाहूँगी किस तरह से तैयारियाँ चल रही है आपके बर्थडे को लेकर। बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ऑर्फनेज जैसे हर साल विजिट करती हूँ, सेल गो टू ऑर्फनेज, सेल गो टू टेम्पल, और उसके बाद थोड़ा तैयारी है बिकॉज डे आफ्टर टुमारो आई एम लिविंग फॉर दुबई। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आज थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, फैमिली के साथ भी, एंड देन टुमारो आई हैव टू गो टू ऑर्फनेज एंड टेम्पल। But then I have to do the all packing and stuff, and then I'm flying to Dubai. Okay, so birthday को आप किस तरह से लेती हैं, enjoyment के साथ celebrate करती हैं, या फिर ऐसा mind में आता है कि चलो एक साल कम हो गया है, या फिर किस तरह से आप birthday को लेती हैं? नहीं, मेरे life में मेरे सबसे important festival जो मैं celebrate करती हूँ उसमें मैं birthday। मैं हर साल मतलब मुझे ऐसा feel नहीं होता कि okay मेरे एक साल बढ़ गए हैं और you know like I have become 1 year older. वन मोर ईयर ओल्डर, मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, और मैं वेट करती हूँ मेरा बर्थडे आने, मतलब एक महीने पहले से मेरा एक्साइटमेंट रहता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक आई नो लाइक वॉट आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद ऑर्फनेज किड्स, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे बर्थडे पे दीदी आएगी यू नो, वो जो एक इन्जॉयमेंट एक्साइटमेंट रहता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं वेट करती हूँ फिर उनके साथ केक काटना, यू नो टाइम स्पेंड करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो आई लुक फॉरवर्ड द होल ईयर की थी, अदरवाइज मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे बर्थडे में जो वो लोग दीदी का बर्थडे हमारे साथ स्पेंड करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उसके एक अलग ही बनाता है। जानना चाहूँगी आपसे कि आपका कौन सा ऐसा बर्थडे है जो सबसे बेस्ट रहा हो बचपन से लेकर अभी तक का? बचपन में भी मतलब मैं हमेशा यही करती थी, क्योंकि मेरे घर पे वी आर वेरी मच इनटू सोशल सर्विसेज, एंड आई हैव ऑलवेज बीन इन फिलैंथ्रोपिस सिंस माय चाइल्डहुड, क्योंकि मैं घर पे बड़ों को ऐसे करते हुए देख के बड़ी हुई। तो आई ट्राई टू मेक एवरी बर्थडे स्पेशल बाय शेयरिंग विद द पीपल लाइक deserve it, and I think they deserve. And हाँ, फैमिली के साथ कैलकटा में बहुत ज़्यादा फन होता है, पापा जो अभी नहीं हो पा रहे क्योंकि मैं बॉम्बे में, और माई फैमिली लिव्स कोलकाता, लेकिन आई ट्राई टू मेक एवरी बर्थडे डिफरेंटली मेमोरेबल। तो सबका अपना अपना खुद का ही एक अलग फन है। ओके, सो अभी तक का बर्थडे गिफ्ट सबसे स्पेशल या सबसे बेस्ट क्या कुछ मिला है आपको? मुझे तो मतलब हर साल कुछ मतलब बहुत कुछ मिलता है, मतलब आई मीन लाइक ओके माय डैड इज अ वन हु गिव्ट, बट इस बार मैंने सबको ये अर्ज की, मतलब मेरे जो मेरे फ्रेंड्स इतने बुके वगैरह गिफ्ट्स वगैरह सब भेजते हैं, सबको मैंने ये बोला कि सी नाउ आई हैव ग्रोन अप, और ये गिफ्ट्स वगैरह मुझे ज़्यादा एक्साइट नहीं करते, व्हाट विल इफ़ यू रियली वांट टू सी मी हैप्पी एंड मेक मी हैप्पी, तो प्लीज़ किसी हंग्री पुअर फैमिली को अच्छे से ट्रीट कर देना, so that will be the best gift that you can give to on my birthday, rather than sending flowers, cakes, ये सब मत भेजो। इस बार मैंने सबको मना कर दिया, and I said like I'll be more than happy if you feed poor family. ये मोबाइल एंजल
cheers for everyone. दादी जी कैमरा में दिखाती है सिमरन ने फोन